पांच साल सरकार देश की नहीं चलने वाली। साफ साफ मैं बता दूं आपको, इस देश की जो सरकार है भीनी ढाली सरकार है, और जिस अहमन्यता के साथ इस देश में सरकार चलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, आने वाले वक्त में 8 से 12 महीने के भीतर इस देश में नई सरकार बनेगी। लालू परिवार का चरण पादुका ढोना तो बंद कीजिए, आपको लोकसभा में संसदीय दल का राजद नेता नहीं बनाने वाला है, वहां मीसे भारती जी लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनेंगे। याद रखिएगा कि मैंने क्या कहा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जनता को कब तक दिखाते रहेंगे? जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और जानती है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला है, प्रचंड उनके गठबंधन को बहुमत मिला है, और ये 5 साल चलने वाली सरकार है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़। देखिए, राजद के चुने गए 4 सांसदों में से एक और जगदानंद सिंह, जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बेटे सुधाकर सिंह पहली बार जीत के बाद बक्सर में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। बक्सर में जनसभा को संबोधित करते हुए सुधाकर सिंह ने वर्तमान में गठित सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दिया। बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये सरकार 12 महीने 8 महीने के बीच में गिर जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। 5 साल सरकार देश की नहीं चलने वाली। साफ साफ मैं बता दूं आपको, इस देश की जो सरकार है भीनी ढाली सरकार है, और जिस अहमन्यता के साथ इस देश में सरकार चलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, आने वाले वक्त में 8 से 12 महीने के भीतर इस देश में नई सरकार बनेगी, यह आपको चौंकाएगा नहीं। इस मंच से मैं कह रहा हूं, दुर्गावती के मंच से, सैकड़ों फेसबुक और डिजिटल मीडिया के लोगों कैद कर रहे हैं मेरे भाषण को, याद रखिएगा कि मैंने क्या कहा। तो सुना आपने किस प्रकार से सुधाकर सिंह ने सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है कि सरकार 8 से 12 महीने के बीच गिर जाएगी। तो वहीं उनके इस बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने पलट कर जवाब दिया, और जवाब देते हुए कहा है कि आप हमेशा से राजद में पिछ लगे बने रहेंगे, आपको भले लगता होगा कि संसदीय दल के नेता बन जाएंगे, लेकिन राजद में संसदीय दल के नेता लालू की बेटी मीसा भारती ही बनेगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद सिंह। आदरणीय सुधाकर सिंह जी, मुंगेरी लाल के सपने जनता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो लालू परिवार का चरण पादुका ढोना तो बंद कीजिए, आपको लोकसभा में संसदीय दल का राजद नेता नहीं बनाने वाला है, वहां मीसे भारती जी लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनेंगे। आप तो सिर्फ जो है चरण पादुका ढोने वाले लोगों में से हैं, और बक्सर में गलतफहमी का जीत आपको हो गया है। आप जो है जनाधार से नहीं जीते हैं, आप जो जीते हैं वो वोट कटवा के चलते जीत गए हैं, गलतफहमी में की जीत है आपकी। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने जनता को कब तक दिखाते रहेंगे? जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और जानती है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला है, प्रचंड उनके गठबंधन को बहुमत मिला है, और ये 5 साल चलने वाली सरकार है। तो सुना आपने किस प्रकार से अरविंद सिंह ने सुधाकर सिंह से कह दिया कि आप मुंगेरी लाल के सपने जनता को ना दिखाएं, आप अपना देखें, आपको लग रहा होगा कि आप संसदीय दल के नेता बन जाएंगे राजद के, लेकिन राजद के संसदीय दल के नेता हमेशा से फिक्स है कि लालू की बेटी मीसा भारती ही बनेगी। तो एक बार फिर से सरकार को लेकर जो है माहौल बिहार के अंदर, या फिर ये कहें कि राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के नेता बयान दे रहे हैं, तो माहौल ये बन रहा है कि जो सरकार है वो सुरक्षित नहीं है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबु नायडू को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वो लोग कभी भी पलट सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि सरकार गठित हो गई है, मंत्रिमंडल भी बन चुका है, विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, और अभी तक कहीं से किसी प्रकार की सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही ऐसी कि सरकार को कोई खतरा है। लेकिन लगातार इंडी गठबंधन इस चीज़ को घुनाने में लगी है कि सरकार जो है वो बैसाखी के सहारे है जो कभी भी टूट जाएगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा देश दुनिया के साथ। धन्यवाद।